हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फायर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फायर। फायर मतलब होता है आग। इसे कहते हैं कैच फायर। कैच फायर मतलब होता है आग पकड़ना या फिर आग लगना। इसे कहते हैं सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर मतलब होता है आग लगाना। इसे कहते हैं चोक। चोक मतलब होता है दम घुटना। इसे कहते हैं एक्सटिंग्विश या फिर पुट आउट, और हिंदी में कहते हैं आग बुझाना। इसे कहते हैं स्क्रॉच। स्क्रॉच मतलब होता है झुलसा देना। इसे कहते हैं बर्न डाउन। बर्न डाउन मतलब होता है भस्म होना। इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब होता है अग्निशामक यंत्र। इसे कहते हैं फायर फाइटर। फायर फाइटर मतलब होता है आग बुझाने वाला व्यक्ति। इसे कहते हैं फायर इंजन। फायर इंजन मतलब होता है दमकल गाड़ी। इसे कहते हैं फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मतलब होता है अग्निशामक केंद्र। इसे कहते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक मतलब होता है पानी की टंकी। इसे कहते हैं होज। होज मतलब होता है लेजम। इसे कहते हैं लैडर। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। इसे कहते हैं फायर अलार्म। फायर अलार्म मतलब होता है आग लगने की सूचना देने वाली घंटी। इसे कहते हैं फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड मतलब होता है अग्निशामक दल। इसे कहते हैं फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट मतलब होता है आग बुझाने वाला कंबल। इसे कहते हैं फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट मतलब होता है अग्निशामक विभाग। इसे कहते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मतलब होता है रोगी वाहन।